शकील कम्स इन, मोहम्मद हारिस कम्स इन, इफ्तिखार है, उसके बाद शादाब, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज वापस आ जाते हैं, शाहीन शाह आफरीदी, एंड दो फोर्स चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं, तो एक हैं जमान और दूसरे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। सो दो तो फोर्स चेंजेस हैं, हमें पता है हारिस और नसीम की फिटनेस का जिस तरह से जो इशू हुआ है, इंजरी का जो इशू हुआ है, बट अदर देन दैट ऑल ऑफ द चेंजेस आर विलिंग चेंजेस। इज दिस द पैनिक बटन दैट हैज बीन प्रेस्ड इन पाकिस्तान कैंप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आप 1-1 जरा ओपनर से गिनाए हैं जरा, आप अभी 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 कॉम्बिनेशन सॉर्टेड आउट हो जाता है। सी हारिस आया वापस जी, आपका अमाम है जी, नंबर 3 पे बाबर है, नंबर 4 पे कौन है? सऊद शकील, रिजवान। हाँ, अभी तक तो रिजवान दिख रहे हैं, ठीक है, अगर ये बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से। 4 पे रिजवान, 5 पे सऊद शकील, 6 पे इफ्तिखार, 7 पे शादाब, 8 पे मोहम्मद नवाज, 9 पे शाहीन शाह आफरीदी, 10 पे मोहम्मद वसीम जूनियर। अब यू टेल मी, जहाँ पे हमें चांस लेना पड़ता था ना जी, जो हम बार बार एक चीज पे बात कर रहे थे, Where is your second leg spinner? Which is that guy has to come and see कि is he capable exactly to come and represent Pakistan in World Cup? That's a very very important. एक तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि वो उसको चांस देना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है, ये मेरी राय के मुताबिक। दूसरा, अब आप देखें, पैनिक बटन नहीं है, मगर सेम टाइम अगर जब आपके पास इंजरीज इतनी ज़्यादा हो जाती है, देखें ना, फ़खर की फॉर्म हम बार बार कर रहे थे, ही वॉज नॉट हीटिंग द बॉल नाइसली, ठीक है, अब आपने फ़खर को चांस ऑब्वियसली ड्रॉप किया और हारिस को लेके आए, सम टाइम इतनी ज़्यादा चेंजेस जो होती हैं ना, ये बहुत बड़ा गैमल होता है आपके पास, ये नो इट्स ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वन, कि सारे नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस पीछे कोई नहीं है, प्रेशर वाला मैच है। इस मौके के ऊपर मेरा ख्याल वो मैच से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस का सोचेंगे ना, तो आई थिंक दे विल बी अ बेटर इन अ बेटर पोजीशन। पता है क्यों होता है? मैच का प्रेशर और होता है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर और होता है। इन चारों पांच लड़के, हारिस अपना कोशिश करेगा कि मैं स्कोर करके अपनी जगह पक्का करूँ, आपका वसीम जूनियर को काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी यो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता, बट ही हैज़ टू डिलीवर। मुझे ये सारे सिनारियो में जो मुझे नज़र आता है ना, सम टाइम इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली फॉर पाकिस्तान, कि एकदम 4-5 लड़के नए डाल दिए और उसके ऊपर वो सिर्फ सोचेंगे कि ये हम किस तरह अपनी जगह पक्की कर सकें और अपने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकें, जिसका प्रेशर आपके ऊपर ऑफ होने के बड़े चांसेज होते हैं। सो लास्ट थिंग जो बिफोर आई एंड अप हेयर, आई थिंक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2-3 सीनियर प्लेयर्स का आ जाता है, जमान या वसीम जूनियर, ये है थोड़े स्लिंगी बॉलर, इन पिचों के ऊपर आपको बॉलर वो चाहिए जो ला के पिच के ऊपर मारे, नॉट स्किडी बॉलर। स्किडी बॉलर जो होते हैं ना, वो बल्ले पे बड़ा आएगा, बल्ला बहुत आसानी से आएगा। मेरी दुआ है कि दोनों परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करें जी, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का सेमीफाइनल है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा यहाँ से, तो फाइनल में इंडिया के खिलाफ खेलेगा। बट मैं मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है, ये डर लग रहा है कि वसीम जूनियर और जमान जो है, ये मे बी जमान एंड में या नए बॉल एक दो ओवर अच्छे कर सकता है, क्योंकि स्विंग बॉलिंग करता है जमान, बीच में आपको इस पिच के ऊपर ला के लेंथ बॉल के ऊपर मारना पड़ता है, गेंद आपको स्किड नहीं करवाना पड़ता। सो ये 2-3 चीज़ें मुझे डर लगता है, और शदाब का आज परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन मार्क उसकी बॉलिंग पे और उसकी 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 सिलेक्शन के ऊपर वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह हम आज का मैच जीते, अगर अगर हम आज का मैच नहीं जीते तो दिस वुड बी आवर लास्ट मैच बिफोर द बिग वर्ल्ड कप। तो हम तो अभी यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, हमने जब अपना सफर शुरू किया था, बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, कोलंबो की बारिश की जो भी अपडेट हो, इस वक्त लाहौर में हमें बारिश सुनाई दे रही है, विच मीन्स वहाँ तो बारिश हुई नहीं, वहाँ के हिस्से की यहीं हो जाए और हमें क्रिकेट देखने को मिल जाए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें अब पता चला है, एशिया कप जब शुरू हुआ था, मी माई सेल्फ आई स्टेटेड हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हम वेल सेटल्ड हैं, हमने सारे अपने बॉक्स को टिक मार्क किया हुआ है, टीम पाकिस्तान लुक्स वेरी सेटल्ड, वर्ल्ड कप के में जाने के लिए तैयार है, एशिया कप के फाइनल में तो हम डेफिनेटली पहुंच रहे हैं, यही सारी बातें थी ना। मगर एक उस हार के बाद एकदम से हमने पूरे अपने सेटल्ड कैंप को अनसेटल्ड कर दिया। मैं आपकी तरफ आऊँगी अब यूसुफ, हम शान मसूद को निकालते हैं स्क्वाड से और अब्दुल्ला शफीक को लाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टैलेंट, जो कि बहुत कम उन्होंने अभी दिखाया बहुत सारा, बट बहुत कम खेले। लिस्ट ए के 7 मैचेस खेलकर अब्दुल्ला शफीक जो है वो टीम का हिस्सा बने, ओडीआई में वो खेल रहे हैं, वो हमारे बैकअप ओपनर हैं,
बट जब हमें बैकअप ओपनर की जरूरत पड़ती है तो हम अब्दुल्ला शफीक को साइड पे बिठा देते हैं एंड हम मोहम्मद हारिस को ले आते हैं जिसने आज तक लिस्ट ए में कभी ओपन नहीं किया है, मगर क्योंकि मोहम्मद हारिस ने T20 में बहुत अच्छा ओपन किया है सो हम ODI के मैच में आज द डू एंड डाई मैच हम उसमें मोहम्मद हारिस को ले आते हैं। कहाँ है हमारी कोचिंग स्टाफ का थॉट प्रोसेस, कहाँ है हमारे सपोर्ट सिस्टम का थॉट प्रोसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आपने पहले ही कह दिया कि ये T20 खेला हुआ है, T20 ज़्यादा क्रिकेट खेली है, इसी तरह अभी T20 वर्ल्ड कप में इसको डाला था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और इसने एकदम टीम उठा दी थी। शायद वो जेन में हो बाबर के या टीम मैनेजमेंट, उन्होंने देखा होगा मैच वो वाला, ये वाली टीम मैनेजमेंट तो नहीं थी लेकिन बाबर वहाँ था, रिजवान, सारे वही प्लेयर हैं, उन्होंने देखा होगा इसने एक इसकी इनिंग से पूरी टीम उठ गई थी। बिल्कुल, तो शायद उन्होंने वो चांस लिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो पास्ट में अभी कुछ हफ्ते पहले या महीना पहले इसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है टेस्ट क्रिकेट में, अब्दुल्ला शफीक ने उधर 100 भी किया है, उससे पहले भी श्रीलंका में लास्ट ईयर इसने बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग खेली थी, तो इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए टीम के साथ है, पिछले 3-4 साल से टीम के साथ है ऑन एंड ऑफ। अगर आप PSL देखें वहाँ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जो हारिस का मुझे लग रहा है टोटली ये लग रहा है कि इसने जो वो इनिंग खेली थी वहाँ उसकी वजह से, क्योंकि अभी भी वैसी सिचुएशन है, डू एंड डाई वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए शायद उसको चांस दिया है क्योंकि ऊपर से आपको तेज रन भी करने, और दूसरी चीज़ ये भी है इस विकेट पर इतने ईजी रन शायद ना भी हों क्योंकि विकेट थोड़ी जो लास्ट गेम वाली थी अगर वैसी है तो हो सकता है बैट्समैनों को मुश्किल हो या तो इसमें इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह किस वक्त कहाँ खेलना है, गैप में खेलना है, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ऑन साइड पे है जो मुझे लगता जी, है जी। तो इसके लिए इसको अपनी इनिंग को बड़ा देख के लेके चलना पड़ेगा क्योंकि डिपेंड कर रही होगी टीम ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट, ताकि फिर स्पिनर आने, स्पिनर पे थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है लास्ट मैच की तरह, जैसे उन्होंने वेलागेला ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 5 विकेटें ले गया था और इंडिया अच्छा खेलते हैं स्पेन के अगेंस्ट, उनके खिलाफ उसने अच्छी बॉलिंग की, तो बड़ी सोच समझ के कैलकुलेट इनिंग खेलनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि ये यंग है, T20 एक्सपीरियंस है, अल्लाह करे ये इस फॉर्मेट में एडजस्ट करे और अच्छा खेले पाकिस्तान के लिए। वैसे तो जो हमें प्लेइंग 11 जो दिख रही है कि अगर तो ये बैटिंग ऑर्डर में ही है तो डेफिनेटली मोहम्मद हारिस हमें ओपन करते देखें, बट वन फाइन डे आपको नहीं पता अचानक क्या डिसीजन टीम पाकिस्तान की तरफ से आता है, क्या पता रिजवान ओपन करें और इनको डाउन दी ऑर्डर 4th नंबर पर ले आया जाए, बिकॉज मोहम्मद हारिस डोमेस्टिक में 4th-5th नंबर पर बैटिंग करते हैं। बात वही वहीं से फिर से शुरू होती है, यस T20 का एक्सपीरियंस है, यस वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह डिलीवर किया टीम पाकिस्तान के मोराल को बिल्कुल ऊपर कर दिया, मगर दिस इज़ नॉट T20 और दिस इज़ नॉट दैट T20 बॉल गेम एज वेल। यहाँ पे आप अगर वो बैसबॉल अप्रोच भी मारने की कोशिश करेंगे तो नहीं, यहाँ की कंडीशंस मांगती हैं एक स्ट्रोक प्लेयर जो कि समझे, टाइम ले और उसके बाद वो अपना एक्सेल करे।